तीन गो एक साथ है ना, इधर जो साइड वाला दीवार है ना गिरेगा, इसलिए ध्यान से नहीं चलेगा। ये भी दीवार भी इसका कंडम है एक तरह से समझ लीजिए। उधर पूरा निकाल दे कचरा। मित्रों नमस्कार, अभी हम लोग इमामगंज जा चुके हैं जहाँ तीन बेजवान गिरा हुआ है। देख रहे हैं तीन गाड़ी गिरा हुआ है। भैया इन्फॉर्मेशन रात में हमको दिए हैं कि ऐसा कुतवा गिरा हुआ है इसके अंदर। कोशिश ये लोग किए हैं अंदर जाके निकालने का, लेकिन नहीं निकल पाया। और अंदर घुसने के बाद ये काटने का कोशिश करता है, जिसके वजह से हम लोग कोशिश करते हैं ऊपर से निकालने के लिए। अब भैया कहाँ कॉल किए सर? आप टीम में बोलिए, मुर्गी वाला के पास पास में है, उनको थोड़ा कंफर्म कीजिए। तो मैं कंफर्म किया तो बोले कि उसके बाद उनको फोन करके मैं बोले कि सर पटना से आ रहे हैं, तो आपका आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। तो बोले कि ठीक है, निकल जाएगा तो भी फोन करिएगा, नहीं निकलेगा तो भी फोन करिएगा। पटना से लगभग 77-78 किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूरी तय करके आए इसको रेस्क्यू करने के लिए। हम बाहर से ही रेस्क्यू करेंगे, इसको बाहर निकालते हैं हम आपको दिखाने। काफ़ी भीड़ बच्चों का खुद गया है, देखिए कुछ नहीं करो उसको जान जी। तकनीकी खराबी की वजह से एक डॉग को बाहर निकालते वक्त का वीडियो नहीं बन पाया है। आइए आगे आपको दूसरा डॉग को बाहर निकाल के दिखाते हैं। हट जाओ बाबू, तुम लोग हटो। दूसरा डॉग निकल चुका है, सबसे बड़ा वाला, सबसे लास्ट और सबसे बड़ा वाला डॉग। चलिए अभी चलिए यार, घूमिए आप, चलिए अपनी चलिए। आ जाओ, दूगो बाहर आ गया, तुम भी आ जाओ, आ जाओ। हाँ शाबाश, हट जाओ इस थोड़ा सा। सारे डॉग का रेस्क्यू हो चुका है, अब चलते हैं हम लोग कुआं से आगे। चलो बच्चों चलो, तीनों डॉग को रेस्क्यू हम लोग करके बाहर निकाल दें। आसानी तरीका से अंदर जाने का जरूरत नहीं पड़ा, थोड़ा सा पेशेंस और टाइम लगा, थोड़ा सा हम लोग निकाल दें। मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को जरूर देंगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अथवा देखिए कितना अंदर है, और इसमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा रिस्क था, दीवार गिरने का डर था, देख रहे हैं, इसलिए अंदर नहीं गया, बाहर से ही निकाल दें। जो है काफी पुराना है, इनके वजह से बचा अभी। और डॉग बचाने का सबसे बड़ा हाथ इनके ऊपर जाता है। क्या नाम है भैया आपका? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी हैं जो कि इमामगंज के हैं।